अस्सलामुअलैकुम। तो कैसी है मेरी YouTube फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, समझ तो आप गए होंगे कि वी आर गोइंग समवेयर, हम कहीं जा रहे हैं। तो जी, ये बस अनप्लान्ड एक विज़िट था हमारा। पहले तो समझ नहीं आ रही थी जाएं ना जाएं, क्योंकि कोरोना की सिचुएशन ऐसी हो गई भी है कि हर कोई जो है इस टाइम बहुत डिस्टर्ब है। तो बहरहाल एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट था जिसको हम लोगों ने अटेंड करना था। तो बहरहाल लॉकडाउन है और साथ हम लोगों को एक इवेंट भी अटेंड करना था, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था इस सिचुएशन में। तो बहरहाल चले, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि लॉकडाउन में शॉर्ट शादी जो है वो कैसे पॉसिबल है। तो रहे मेरे साथ। डेफिनेटली ये जो सिचुएशन एकदम बन गई है, इसने बहुत से लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट की है। डेफिनेटली जिनकी ऑलरेडी डिसाइडेड थी शादी, तो सडन ये जो चेंज आया, डेफिनेटली उनकी बुकिंग हुई होती है हॉल्स की, तो डेफिनेटली ये उनके लिए बहुत बहुत बड़ा एक इशू था। क्योंकि शादी पे भी बुलाना है लोगों को, कोई जो भी इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। और ये जो आगे बस जा रही है, ये बहुत बुरे तरीके से जा रही थी, कट मार मार के जा रही थी। और अगर आप में से किसी को इसके अंदर बैठने का या इसका एक्सपीरियंस है इसको देखने का, कटिंग का, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। इतने बुरे तरीके से ये कट मार मार के जा रही होती है ना कि मुझे तो डर ही लग रहा होता है। तो नहीं तो दिल को कुछ हो रहा होता है, मुझे होता है कि बस ये सामने से ना कहीं जल्दी से हट जाए, क्योंकि इसने नहीं देखना। एक तो ये ओवर स्पीड में जा रही होती हैं और फिर एकदम जो है वो कट लेती हैं, तो इसलिए अनप्रडिक्टेबल होती है ये गाड़ी। अब मेरी साइड पे देख सकती हो कि ये गंदम की फसल बिल्कुल पक कर तैयार हो चुकी हुई है। और मुझे लग रहा है वो बिल्कुल ना उसका कलर चेंज हो चुका है जो गंदम का होता है। मुझे लगता है एक दो मंथ तक इंशाल्लाह इसकी कटाई भी हो जाएगी। तो बस हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके थे, तो बस यहाँ पे टप्पे शप्पे गाए जा रहे थे। बस इस सिचुएशन में गैदरिंग बहुत कम की थी उन्होंने, बहुत बहुत कम थी। तो बहरहाल प्रिकॉशंस के साथ डेफिनेटली अब रुखसती तो करनी थी, दुल्हन को घर लेकर आना था, लड़के की शादी थी। तो बहरहाल वो आ गए हैं। तो अल्लाह ताला उनका नसीब अच्छा करे और उनको बहुत बहुत ज़्यादा खुशियाँ दिखाएं। तो जी, बस उसके बाद मैं चली गई थी मामा के घर। तो बस हम लोग इधर वेफर आइसक्रीम खाने आए हुए थे रात के क्योंकि मेरे ख्याल से थोड़ी देर पहले पुलिस का छापा पड़ा था वहाँ पे, लेकिन आइसक्रीम सेल हो रही थी। हम लोग तो वापस जाने लगे तो हमने देखा कि वहाँ पे चुपके से कुछ लोग बैठे हुए हैं। ओके जी, तो ये अब वलीमे वाला दिन है, बारात आ गई थी, दुल्हन आ गई थी। और जी, लॉकडाउन में खाना ऐसे मिलता है बिकॉज़
क्योंकि अच्छे तरीके से टेबल के ऊपर हम नहीं खा सकते बिकॉज़ यू नो कि प्रिकॉशंस हैं, शादी हॉल की बुकिंग इनकी बेचारों की कैंसिल हो गई, सब कुछ ख़त्म था। तो बस ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था।